Before watching the video, please subscribe the channel. ये है क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर पॉलीनोमियल्स. तो इसमें हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन में बता रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल. इस पॉलीनोमियल के जीरोस निकालने, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप हमने बतानी है. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारी पॉलीनोमियल टी में है, मैं यहाँ पर टी लिखता हूँ. लेट पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15. अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. बी की जगह पर 15 है, तो इसका मतलब पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस अंडर रूट 15 टी प्लस अंडर रूट 15. तो ये हमारा, ये बन गई हमारे का हमारा ये क्वेश्चन. तो यहाँ पर इसका हमने ये फैक्टर निकाले. तो अब हमने इसके जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के लिए चलिए अब हम इसको, नाउ इफ p of t is equal to 0, then अगर p of t is equal to 0, then t minus under root 15 into t minus t plus under root 15 is equal to 0. ये भी 0 के बराबर. तो यहाँ पर either t minus under root 15 is equal to 0 or t plus under root 15 is equal to 0. t is equal to under root 15, इसको माइनस को राइट साइड में लाते हैं, माइनस 15 यहाँ पर बना प्लस 15, और t is equal to माइनस अंडर रूट 15. तो यहाँ पर इस प्लस t को मैंने राइट साइड में लाई, ये माइनस 15 बना. तो टी के जो दो जीरोज हमने निकाले, दैट इज 15 कामा माइनस अंडर रूट 15. तो ये है टू जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. नाउ वी नो दैट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, sum of zeros is minus b by a is equal to minus b. तो आप क्वेश्चन में चले जाइए, हमारे क्वेश्चन में b है नहीं, यहाँ पर b का वैल्यू कहीं है नहीं. आप देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ऐसे, इधर दूसरे पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको. हमारा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये होना चाहिए टी स्क्वायर माइनस बी एक्स, टी स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 15. तो यहाँ पर इस b की जगह पर ये टर्म इसके पास है नहीं, इस क्वेश्चन के पास. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स माइनस 15. इसका मतलब हमारा b जो बना वो ज़ीरो बना. यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में b का वैल्यू ज़ीरो है. तो मैं इसी को यूज करता हूं यहां पर, माइनस बी बाई ए, बी इज इक्वल टू जीरो, ए ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट्स वन, विच इज इक्वल टू जीरो बाई वन इज इक्वल टू जीरो. सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो. अब हम ये तो ये टू जीरोज जो हमारे पास हैं, इनका सम करते हैं. आल्सो sum of zeros is equal to under root 15 plus minus under root 15, which is equal to under root 15 minus under root 15 plus minus minus. तो ये cancel हुआ, यहाँ पर बचा 0. इसका मतलब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. ये relation है, question में इसी relation को हमने दिखाना है.
कि इसमें क्या रिलेशन है आपस में। अब चलिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय ए, इज सी बाय ए। तो हमारे क्वेश्चन में सी मैंने आपको इससे पहले दिखाया, सी की जगह पर 15 और ए की जगह पर 1, इट मीन्स सी की जगह पर माइनस 15, ए की जगह पर 1, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 15। अब हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, इन दो को आप प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा पी आर ओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15। इन दो को हमने प्रोडक्ट करना है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इज अंडर रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज कैंसल, इट माइनस दिस इज अंडर रूट, दिस इज माइनस 15। तो ये और ये इक्वल निकला। ये है रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट।